ना, ये जमीन नहीं है, ये तो फर्जी है, ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट है, कहना कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट है और इनको हम VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब अपनी लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं, हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं, इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर NRI था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था, अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज चला तो इनके, गया। तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं, एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है, अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए, ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है, एक ओम प्रकाश भर्ती तो है, हमको कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम, तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे, लेटर ही लिखिए तो उसके तो यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं, नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं, नहीं रिकॉर्ड करो आप बात करेंगे, वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है, इंजेक्शन लगवा देंगे करके धीरे धीरे, यही तो गाजियाबाद जिनको जेल में डालना चाहिए, आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं, दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है, इनपे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं, अब एक घंटे में एक किट भरा है 1000 रुपए का नुकसान है, हमें कहना चाहिए ये ZTV इंडिया TV पे कि एक एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए भाग गए, किट 2500 का किट, अब आप सोचिए जिनको आपको डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो, आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है पर खातिरदारी के साथ, नहीं जमातों का मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातों का मुकदमे वहाँ दर्ज हुए ना, एनएसटी क्या थी जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, क्यों ये कर रहे, अच्छा क्या इतना समझ नहीं आता, योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा, बस हम बता रहे हैं इनको 2 मिनट में दौड़ा रहे, हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह आके एम्बुलेंस मिला तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं, इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के, उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए, हमने कहा लगा बहुत CMO से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को तो वही करेंगे जो CMO समझा रहे हैं, CMO 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं, मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं, तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं ये कोई सुन लेगा कोई ये वो, मुझे बहुत ज्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं, डिमांड करिए कि इनको अलग से आइसोलेट करवाया जाए, आप लोग कह सकते हैं आप मीडिया में, नहीं मैडम ये काम करिए ना, किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्क, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक को, आप 100 करोड़ पब्लिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20 करोड़ लोग के लिए जिनका इंटेंशन कुछ और ही है, 100 करोड़ है 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है उनका जो फैलाने लगे, मैडम एक काम करिए आप सुनिए मैडम, झोंक तो पूरा मैडम जी, अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी GDP में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी, मैडम एक एप्लीकेशन वो लिख रही है, आप लेटर लिखिए और वो लेटर वो दे दीजिए कि आपने अपनी डिमांड रखी है, हाँ। ये मांग है वो हमने, तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं ये कोई सुन लेगा कोई ये वो, मुझे बहुत ज्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते, हाँ, डिमांड करिए कि इनको अलग से आइसोलेट करवाया जाए, आप लोग कह सकते हैं आप मीडिया में, नहीं मैडम ये काम करिए ना, किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग,
एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्कर, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक पब्लिक को आप से आप 100 करोड़ पब्लिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए जिनका इंटेंशन कुछ और ही है, 100 करोड़ है 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है उनका जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, आप सुनिए मैडम, झोंक तो पूरा मैडम जी, अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी। मैडम एक एप्लीकेशन एक वो लिख रही है, आप लेटर लिखिए और वो लेटर वो दे दीजिए कि आपने अपनी डिमांड रखी है, हाँ। ये मांग है वो हमने उसको चलाएंगे, शायद उसका कुछ फर्क पड़े। मैम बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा, और आज ये मुद्दा मैम बहुत गर्म है, शाम तक अगर आपको उसका रिस्पांस मिले निकले का आएगा ना, गाजियाबाद की घटनाओं का सब जिक्र करते हुए।